अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट नौकरी आर पर। देखिए, कल एक मीटिंग हुई थी 6:30 बजे के करीब, 6:30 से 7 बजे के बीच, और उसमें बताया गया कि क्या यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को कैसे कराया जाए या नहीं कराया जाए, या इस पर यूनिवर्सिटी पे चर्चा थी कल 6:30 बजे। तो हमने जब देखा तो हमें न्यूज़ इसके बारे में फाइनल न्यूज़ नहीं मिली क्या हुआ उस मीटिंग में। फिर हमने ज़्यादा उस पर सर्च की तो मालूम पड़ा कि इनकी जो फिर ऑफिशियल्स, इन पर जो ऑफिशियल इनका अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश CM है, वहाँ पर आकर हमें न्यूज़ मिली। और क्या न्यूज़ है ये, क्या इसमें यूनिवर्सिटी परीक्षाओं प्रमोट किए गए या यूनिवर्सिटी परीक्षाओं पर क्या बात की गई या यूनिवर्सिटियों पर क्या बात की गई, इसमें जो है बताएंगे हम खबर पर। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी पर जो चर्चा होने को एक मीटिंग थी, उसमें एक जो CM का आवास है वहाँ पर मीटिंग हुई थी, और इसमें दिनेश शर्मा जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, और एक नीलम कटियार, ये भी शिक्षा संबंधित हैं, एक मुख्य सचिव थे राजेंद्र सिंह, और एक जो सचिव हैं अपर सचिव मोनिका एस गर्ग, ये जो है इतने लोग जो है इस मीटिंग में शामिल थे। तो इन्होंने जो योगी आदित्यनाथ जी CM है उत्तर प्रदेश के, उनके लिए प्रस्ताव रखा और बताया सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन के अनुसार इन्होंने क्या निर्णय लिया है, तो आइए दिखाते हैं, नीचे चलते हैं, और इसकी जो न्यूज है हमें इनकी ऑफिशियल साइट से ही हमें प्राप्त हुई है। तो आप खुद भी जाकर इनके ट्विटर चलाते हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए, नीचे देख सकते हैं, नीचे देखिए, यहाँ सर है, आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी का जो ट्विटर अकाउंट है, 8 घंटे पहले यहाँ पर जो पोस्ट की गई है, और देखिए इसमें क्या है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री आवास पर सोमवार को एक बैठक में नए राज्य विश्वविद्यालयों के संचालन और राजकीय विश्वविद्यालयों के भवन निर्माण और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्तुतिकरण किया गया। देखिए, प्रस्तुतिकरण किया गया है इसमें, और दिखाते हैं क्या है इसमें। और देखिए, प्रस्तुतिकरण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की गुणवत्ता और रोजगारमुखी शिक्षा प्रदान की जाए, रोजगार के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कोरोना के चलते परिस्थितियों और भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम में नर्सिंग और फार्मेसी और बायोकेमिस्ट्री की शामिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। और उच्च शिक्षा सचिव मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने भी कहा कि सहारनपुर आजमगढ़ और अलीगढ़ में एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और इसकी कार्रवाई तेज की जाए और इसी महीने इसकी आयोजन किया जाए। ठीक है, एक तो मीटिंग में ये बात हुई और प्रमोशन पर बात नहीं की इन्होंने, ये बात की। और दूसरी एक ये थी मीटिंग जो पुलिस महकमा में को लेकर एक बैठक थी, मतलब दो मीटिंग हुई थी, तो एक में यूनिवर्सिटी पर इतनी बात की गई है और दूसरे में ये बात की गई है। तो अब ये फाइनल डिसीजन क्या रहेगा, यानी यहाँ इनका ध्यान नहीं गया है, अभी इन्होंने जो शिक्षा सचिव वगैरह हैं इन्होंने इस पर बात नहीं की है, इस वजह से जो है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। तो हो सकता है अब एक आध दो दिन में निर्णय लिया जाए, उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया जाएगा। देखिए, ये खबर हमें इस वजह से बनानी पड़ी क्योंकि छात्र बार बार कमेंट कर रहे थे सर क्या हुआ मीटिंग में क्या हुआ, तो देखिए यही हुआ है और अभी तक प्रमोशन पर कोई फाइनल निर्णय नहीं आया है। तो जैसे ही फाइनल निर्णय आएगा हम तुरंत लेकर आएंगे आपके पास। देखिए, सभी बच्चे प्रमोट हो जाएं, हम यही चाहते हैं, और सबसे दुआ करते हैं ईश्वर से कि सभी बच्चे सेफ रहें और सुरक्षित रहें।